दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग क्लास 10th पास कर चुके हैं, मैट्रिक पास कर चुके हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो, CBSE के स्टूडेंट हो, या ICSE या मध्यमा के स्टूडेंट हो, सभी के लिए खुशखबरी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्लास 11 इंटर में एडमिशन के लिए तिथि जारी कर दी है। आप लोग इंटर आर्ट्स, इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स में एडमिशन करा सकते हैं। जो भी जो सब्जेक्ट जो फैकल्टी रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं ये प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि आप लोगों के मन में आता है कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। दूसरा प्रश्न, आवेदन फी कितनी होगी। तीसरा प्रश्न, आवेदन किस किस जगहों से किए जा सकते हैं। चौथा प्रश्न, वेबसाइट का नाम, आप किस वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न कि आरक्षण किस कैटेगरी को कितना मिलेगा। और छठा प्रश्न कि कितने कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके आप हमको पूछिएगा, हम जवाब देंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। तो आवेदन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन जो है आपको 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक लिए जाएंगे। यानी 27/4/2019 से 11/5/2019 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब जो प्रश्न था कि आवेदन फी कितनी होगी, तो देखिए आवेदन फी की बात हम कर लेते हैं। तो आवेदन फी के रूप में आपको 300 रुपया पे करना होगा। आप 300 रुपया राशि पे करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन आप किस किस जगहों से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है, इसमें वर्णित है सूचना में कि आवेदन आप सहज वसुधा केंद्र के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको हो गया जिला निबंधन सह परामर्श परामर्श केंद्र से आपको आवेदन करना होगा। आप यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं, यानी जिनको हम DRCC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर। अगला है कि आप अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान के कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, आवेदन भर सकते हैं। यानी आप अपने मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कि इंटरनेट साइबर कैफे के माध्यम से भी आवेदन भरा जा सकता है। तो इंटरनेट वाले के पास भी जाकर के आप आवेदन कर लेंगे, साइबर कैफे वाले के पास। उसके बाद है कि वेबसाइट का नाम। तो देखिए वेबसाइट का जो नाम है आपको वो हो गया www.OFSSBihar.in, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर आवेदन किए जाएंगे। अगला था कि आरक्षण, तो किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा। तो सबसे अंत में यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना आरक्षण निर्धारित किया गया है। तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं कि कैटेगरी है रिजर्वेशन है। तो अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण, अनुसूचित जनजाति को 1%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जाति के लिए 18% सीट सुरक्षित हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 12% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 3% और जनरल कैटेगरी के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है इसमें। उसके बाद आप लोगों के मन में जो था कि कितने कॉलेज का आप चयन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि आप कितने कॉलेज का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज़ को देख सकते हैं, ये जो हम घेरा लगा रहे हैं इस बीच में, देखिए इस प्रकार से आप समान आवेदन प्रपत्र में कम से कम 5 विकल्प एवं ज़्यादा से ज़्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं। यानी आपको कम से कम 5 कॉलेज चुनना ही है, अधिक से अधिक आप चुनना चाहेंगे तो 20 कॉलेज को चुन सकते हैं। तो पहले आपको जिसमें एडमिशन लेना हो, आपका मन है कि इसमें मेरा एडमिशन होना चाहिए, तो फर्स्ट विकल्प के रूप में जो है आपको उस कॉलेज का चयन करना है। उसके बाद फिर आपका जो सेकेंड च्वाइस होगा उसको आप चयन करेंगे। तो इस प्रकार से आप कॉलेज का चयन करते जाएंगे।
तो यहाँ पर आपने जान लिया है कि आवेदन कब से कब तक लिया जाएगा। 11th में एडमिशन से संबंधित सभी सूचना को पाने हेतु और 11th 12th का मैथमेटिक्स सॉल्यूशन हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि सभी प्रकार की सूचना आपको इस चैनल पर मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।